हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आज ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा में कंप्यूटर के सेक्शन से पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। चार ऑप्शन दिया गया है, विंडोज़, एमएस ऑफिस, यूनिक्स और लिनक्स। और ये क्वेश्चन ग्राम पंचायत अधिकारी वीडियो में 2016 में पूछा गया है। तो एमएस ऑफिस ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, बाकी के विंडोज़, यूनिक्स और लिनक्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। विंडोज़, यूनिक्स, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है, जबकि एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इस पर हम वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किस प्रकार निश्चित की जाती है। पहला ऑप्शन है आईपी एड्रेस द्वारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा है ईमेल एड्रेस द्वारा। तीसरा है स्ट्रीट एड्रेस द्वारा। और चौथा है यूज़र आईडी द्वारा। वीडियो के एग्ज़ाम में कंप्यूटर के सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देख रहे हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि UP SSC ग्राम पंचायत अधिकारी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान हम लोग आईपी एड्रेस के थ्रू पता करते हैं। साइबर क्राइम में भी आईपी एड्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान आईपी एड्रेस द्वारा होती है। जब भी कंप्यूटर वेब से कोई सूचना प्राप्त करता है तब इसका आईपी एड्रेस इसकी पहचान के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से सबसे अधिक संग्रह क्षमता किस में होती है। तो स्टोरेज कैपेसिटी पूछ रहा है किसकी होती है ज़्यादा। पहला ऑप्शन है किलोबाइट, दूसरा है गीगाबाइट, तीसरा है टेराबाइट और चौथा है मेगाबाइट। और ये क्वेश्चन ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा 2016 में पूछा गया है और हमारा आंसर होगा टेराबाइट। कंप्यूटर प्रणाली में सबसे अधिक क्षमता टेराबाइट में होती है। सबसे कम 8 बिट मिलकर के 1 बाइट बनाते हैं और 1024 बाइट मिलकर के 1 किलोबाइट और 1024 किलोबाइट मिलकर के 1 मेगाबाइट और 1024 मेगाबाइट मिलकर के 1 गीगाबाइट और 1024 गीगाबाइट मिलकर के 1 टेराबाइट बनाते हैं। टेराबाइट के बाद भी होता है जेटाबाइट, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से सबसे अधिक क्षमता किस में होती है, ये होती है टेराबाइट में। अगला क्वेश्चन है, बाइनरी संख्या बाइनरी नंबर 1011 का दशमलव समतुल्य क्या होगा। इसका आंसर होगा 11। इसका आंसर कैसे निकालते हैं ये अगले के पेज में हम लोग देखेंगे। और एक क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2016 में पूछा गया है। पहले आप नंबर लिख लेते हैं 1011, इसी का आंसर पूछा है। बाइनरी संख्या पद्धति केवल 2 अंकों 0 और 1 को काम में लेने वाली पद्धति है, जिसमें स्थानीय मान निकालने का आधार 2 लिया जाता है। बाइनरी संख्या 1011 का दशमलव समतुल्य होगा। हम लोग नंबर लिख लेते हैं 1011। फिर हम लोग राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे 2 की पावर 0, देन 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और इसको मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा दिस, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 × 2 की पावर 2, देन इसका मल्टीप्लाई 1 × 2 की पावर 1, इसका मल्टीप्लाई 1 × 2 की पावर 0 और सबको प्लस कर देना है। और प्लस करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 11। तो ऐसे आप किसी भी नंबर का आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत डाटा हस्तांतरण डाटा ट्रांसमिशन की आवृत्ति सीमा को क्या कहते हैं।
चार ऑप्शन दिया गया है, बैंड, बैंडविथ, बाइट, बिट्स। और क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, आंसर होगा बैंडविथ। कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत डाटा हस्तांतरण की आवृत्ति सीमा को बैंडविथ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को क्या कहलाती है? एक टेम्प्रेरी मेमोरी होती है और एक होती है परमानेंट मेमोरी। तो परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? ऑप्शन दिया गया है रैम, सीडी रोम, रोम और सीपीयू। रैम का फुल फॉर्म होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, सीडी रोम का फुल फॉर्म होगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म होगा रीड ओनली मेमोरी, और सीपीयू का होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को हम लोग मेन पार्ट कहते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं सीपीयू को। तो हमारा आंसर होगा परमानेंट मेमोरी कहलाती है रोम, रीड ओनली मेमोरी। और ये क्वेश्चन भी 2016 में पूछा गया है। रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इस मेमोरी में संग्रहित सूचना को केवल पढ़ा जा सकता है, इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। कंप्यूटर के बंद होने पर भी रोम में संग्रहित सूचनाएं नष्ट नहीं होती हैं, अतः इसी कारण रोम को कंप्यूटर की स्थायी स्मृति या परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, पीपीपी, एफटीपी, यूआरएल और ईपीएफ। और ये क्वेश्चन भी वीडियो के एग्ज़ाम में 2016 में पूछा गया है। हमारा आंसर होगा ईपीएफ। कंप्यूटर पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल यानी कि पीपीपी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी कि एफटीपी तथा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल, ये सभी कंप्यूटर प्रणाली से रिलेटेड हैं, उससे संबंधित हैं, जबकि इमाइलेज, प्रोविडेंट फंड ये कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये कंप्यूटर की प्रणाली से संबंधित नहीं है, कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है, पीपीपी, एफटीपी, यूआरएल संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर में कौन कौन सी कंप्यूटर कुंजी दबाने से संपूर्ण आलेख का चयन किया जाता है? तो सेलेक्ट का कैसे करते हैं हम लोग, चार ऑप्शन दिए गए, कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस ए, एएलटी प्लस फंक्शन फाइव कीज़ और शिफ्ट प्लस ए। और एक क्वेश्चन यूपीडब्ल्यूएससी के एग्ज़ाम ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2016 में पूछा गया है। तो किसी कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस ए को क्लिक करके हम लोग आलेख का चयन कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी कंप्यूटर की किसी भी फाइल में निहित संपूर्ण आलेख का चयन या सेलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड पर दी गई CTRL मतलब कंट्रोल प्लस ए कुंजी को दबाना होता है, तो इससे हमारा सेलेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य त्रुटि पता लगाने की कोड CRC का पूर्ण रूप है। चार ऑप्शन दिया गया है, फुल फॉर्म पूछा गया है CRC का, क्रॉस रेफरेंस चेक, सर्कुलर रेफरेंस चेक, साइक्लिक रिडेंसी चेक और साइक्लिक रिडेंसी कोड। तुम्हारा आंसर होगा साइक्लिक रिडेंसी चेक। तो CRC का फुल फॉर्म होगा साइक्लिक रिडेंसी चेक। और ये क्वेश्चन भी 2016 में पूछा गया है। CRC एक त्रुटि पता लगाने वाला कोड है, एरर पता लगाता है ये, जिसका पूर्ण रूप से साइक्लिक रिडेंसी चेक है। इसका उपयोग मुख्य रूप से डिजिटल नेटवर्क एवं भंडारण युक्तियों में डेटा के आकस्मिक परिवर्तन की वजह से को ज्ञात करने हेतु किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कोटि BIOS को सर्वोत्तम परिभाषित करती है? चार ऑप्शन दिया गया है, हार्डवेयर, मॉलवेयर, फर्मवेयर और यूटिलिटी। और ये क्वेश्चन 2016 में राजस्व निरीक्षक परीक्षा में पूछा गया है। तो BIOS को सर्वोत्तम परिभाषित करती है, यह है एक फर्मवेयर। BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को कंप्यूटर फर्मवेयर के रूप में सर्वोत्तम ढंग से परिभाषित किया जा सकता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका पूरा नाम पूछा जा सकता है BIOS का, तो इसका पूरा नाम होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुकी क्या होती है? चार ऑप्शन दिया गया है,
उपभोगकर्ता की वेब गतिविधियों के बारे में सभी जानकारी संग्रहित करता है। सेकंड ऑप्शन दिया गया है, उपभोक्ता कर्ता द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर को संग्रहित करता है। तीसरा है, उपभोक्ता द्वारा पासवर्ड को सुरक्षित करता है। चौथा है, उपभोक्ता द्वारा प्रयोग की गई कमांड को संग्रहित करता है। तो हमारा सही आंसर होगा एक, कुकी होती है उपयोगकर्ता, मतलब जो उपयोग कर रहा है उसकी वेब की गतिविधियों के बारे में जानकारी संग्रहित करना। उपभोगकर्ता मैंने बोल दिया, यहाँ सब जगह पे होगा उपयोगकर्ता, उपयोगकर्ता। तो एक कुकी से उपयोगकर्ता की वेब गतिविधियों के बारे में सभी जानकारी संग्रहित करता है कि कोई इंसान कंप्यूटर पे क्या क्या वर्क किया है, ये हम लोग एक कुकी से पता लगा सकते हैं। तो कुकी उपयोगकर्ता द्वारा देखी जाने वाली वेबसाइट द्वारा बनाई गई फाइलें होती हैं। कुकी ब्राउज़र की जानकारी जैसे कि उपयोगकर्ता की साइट प्राथमिकताएं तथा प्रोफाइल संबंधित समस्त जानकारी संग्रहित करती है। एक उपयोगकर्ता वेबसाइट द्वारा सहेजी गई कुकी को सक्षम या अक्षम कर सकता है। तो कुकी से उपयोगकर्ता की वेब गतिविधियों के बारे में सभी जानकारी संग्रहित रहती है। तो ये कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे पार्ट वन में, ये सारे क्वेश्चन आए थे। पार्ट टू को भी इसी में कंटिन्यू करते हैं। मैंने सोचा था कि अलग अलग पार्टें बनाऊं, बट एग्ज़ाम पास में है इसलिए पार्ट टू को भी इसी में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है ये होगा लोटस, कोबॉल, फोर्ट्रैन, पास्कल, ये सारी कंप्यूटर की भाषा है, लोटस ये भाषा नहीं है। और ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। कंप्यूटर प्रणाली में कोबॉल, इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, फोर्ट्रॉन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन या पास्कल उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं, जबकि लोटस प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा लोटस ये प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, और ये प्रश्न 2016 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? इनपुट डिवाइस से हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं, डेटा एंटर करते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है, तो कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस का उदाहरण होगा क्योंकि इससे हम लोग टाइप करते हैं, टाइपिंग का काम कंप्यूटर से ही करते हैं, एंटर भी करते हैं। और स्कैनर, स्कैनर भी हमारा इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, इससे हम लोग इनपुट करते हैं। बट प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, इससे हम लोग रिजल्ट को देखते हैं। तो इनपुट डिवाइस का उदाहरण क्या नहीं होगा, ये होगा प्रिंटर, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड, स्कैनर, माउस ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। और एक क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत कंप्यूटर के घटकों को दो भागों में विभक्त करते हैं, एक होता है इनपुट डिवाइस और दूसरा होता है आउटपुट डिवाइस। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट पेन इत्यादि इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं, वहीं दूसरी ओर मॉनिटर, LCD, प्रिंटर, प्लॉटर ये सारे आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? तो ये क्वेश्चन अभी था, तो प्रिंटर हमारा जो है ये इनपुट डिवाइस नहीं, ये होगा आउटपुट डिवाइस। और ये अगेन क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, यही क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में। देन कंप्यूटर में कौन निम्न से इनपुट डिवाइस नहीं है, ये होगा प्रिंटर, प्रिंटर इज आउटपुट डिवाइस। क्वेश्चन है, ALU का विस्तृत रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म होगा अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कंप्यूटर के एरिया में बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन है ये। तो ALU का विस्तृत रूप होगा अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट, और ये क्वेश्चन भी 2016 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचारण द्वारा
इंटरनेट उपलब्ध के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी इस्तेमाल किया जाता है? चार ऑप्शन दिया गया है, ट्रांसमीटर, डायोड, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तुम्हारा आंसर होगा टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचरण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध के लिए डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है। और एक क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचारण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने हेतु डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन DSL प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? चार ऑप्शन दे गया, C++, विंडोज 7, CD-ROM और कोई नहीं। तुम्हारा आंसर हो जाएगा CD-ROM, ये हार्डवेयर डिवाइस है, इसको टच किया जा सकता है। और एक क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, CD-ROM यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी एक प्रकार की ऑप्टिकल डिस्क होती है। यह कंप्यूटर हार्डवेयर का एक प्रकार है। इस प्रकार के डिस्क पहले से ही मुद्रित होती है तथा इसमें संग्रहित डेटा को मिटाया नहीं जा सकता है। साथ ही इस प्रकार के डिस्क में कोई डाटा संग्रहित भी नहीं किया जा सकता है। C++, विंडोज 7 ये हार्डवेयर नहीं है, CD-ROM इज हार्डवेयर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है? कंप्यूटर फादर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है चार्ल्स बैबेज को। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कंप्यूटर के जन्मदाता हैं चार्ल्स बैबेज, ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम चार्ल्स बैबेज ने कंप्यूटर की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान किया। चार्ल्स बैबेज ने प्रोग्राम द्वारा निर्मित यह यांत्रिक मशीन को द एनालिटिकल इंजन की संज्ञा दी थी। उन्हें कंप्यूटर का जनक या पिता भी कहा जाता है, फाउंडर ऑफ कंप्यूटर और फादर ऑफ कंप्यूटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा भी गया है। क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डाटा का किस रूप से भंडारण होता है? चार ऑप्शन दिया गया है, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल और बाइनरी। इसका सही आंसर होगा कंप्यूटर में डाटा बाइनरी के रूप में भंडारण होता है और ये होता है 0 और 1। इससे रिलेटेड अभी हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया है और एक क्वेश्चन 2016 में पूछा जा चुका है। तो कंप्यूटर में डाटा का भंडारण होता है बाइनरी के फॉर्म में। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कंप्यूटर में डाटा बाइनरी संख्या के रूप में भंडारित होती है। कंप्यूटर की सभी कार्य प्रणाली अंक पद्धति पर आधारित होती है। जब कंप्यूटर में डाटा एंटर करते हैं तो वह मेमोरी में भंडारित हो जाती है, स्टोर हो जाती है। इसको मापने के लिए यूनिट का प्रयोग करते हैं। सबसे छोटी यूनिट होती है बिट, और 8 बिट मिल करके 1 बाइट बनाते हैं। 8 बिट मिल करके 1 बाइट बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन थे कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड जो कि VDO के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।